तो देखो भाई, आज बात करते हैं महानदी के बारे में कि महानदी का उद्गम स्थल कहाँ से, इसकी लंबाई वगैरह कितनी है। तो देखो, सबसे पहले अगर बात करें कि महानदी की जो लंबाई है तो वो लंबाई है 858 किलोमीटर। ठीक है, तो पॉइंट्स लिखते चलना है साथ ही साथ। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा कि महानदी की जो कुल लंबाई है वो लंबाई कितनी है, 858 किलोमीटर। अगर बात करें कि महानदी का उद्गम स्थल कहां पर है, तो देखो महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में रायपुर, जिसका नाम अब क्या कर दिया है, अटल नगर। ठीक है, तो लिखो अगला पॉइंट, महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के रायपुर में सिंघवा श्रेणी से है। महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के रायपुर में सिंघवा श्रेणी, एक पर्वत श्रेणी है, सिंघवा पर्वत श्रेणी। ठीक है, हाँ जी, अगर बात करें कि इसका अप्रवाह क्षेत्र कितना है, ठीक है, तो महानदी का अप्रवाह क्षेत्र, अगला पॉइंट, महानदी का अप्रवाह क्षेत्र 141,589 वर्ग किलोमीटर। महानदी का अप्रवाह क्षेत्र 141,589 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगला पॉइंट कि महानदी पर एक बांध बनाया गया और उस बांध का नाम है हीराकुंड बांध। ठीक है, अगला पॉइंट, महानदी पर उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है। ठीक है, उड़ीसा में हीराकुंड बांध स्थित है, उड़ीसा, हाँ बात है, अच्छा दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, महानदी पर उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है। ठीक है, जो कि विश्व का सबसे लंबा बांध है। है जी, ठीक है भैया, अप्रवाह क्षेत्र सही है, यही है अप्रवाह क्षेत्र, 141,589 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो कि विश्व का सबसे लंबा बांध है। अगर बात करें महानदी की, ठीक है, तो महानदी की सहायक नदी कौन सी है, तो महानदी की सहायक नदी है शिवनाथ, कोमा हसदो। महानदी की सहायक नदी शिवनाथ, कोमा हसदो, कोमा डूब उत्तर में। ठीक है, महानदी की सहायक नदी कौन सी है, शिवनाथ, हसदो, डूब उत्तर में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी पर, कौन से राज्य में, उड़ीसा राज्य में। ठीक है, अगर बात करें कि महानदी कहां पर जाकर विलुप्त हो जाती है, ठीक है, महानदी बंगाल की खाड़ी में विलय हो जाती है।
और एक बात और ध्यान रखना, महानदी पर उड़ीसा राज्य में एक बांध परियोजना भी है। देखो परियोजना वैसे इसको ही माना गया है, हीराकुंड बांध परियोजना, ठीक है, लेकिन एक और परियोजना उड़ीसा राज्य में, उसका नाम है नराज परियोजना, ठीक है। तो अगला पॉइंट, महानदी पर उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध परियोजना तथा नराज परियोजना स्थित हैं। क्लियर। सबसे पहले महानदी की कुल लंबाई 858 किलोमीटर। अगर बात करें महानदी का उद्गम स्थल कहां से, तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में सिंगवा पर्वत श्रेणी से, ठीक है। इसका अप्रवाह क्षेत्र है 141,589 वर्ग किलोमीटर। अगर बात करें कि महानदी पर ओडिशा राज्य में कौन सा बांध स्थित है, हीराकुंड बांध, ठीक है, जो कि विश्व का सबसे लंबा बांध है। अगर बात करें इसकी सहायक नदी की, तो महानदी की सहायक नदी शिवनाथ हसदो डूब उत्तर में, ठीक है, और महानदी बंगाल की खाड़ी में जाकर विलय हो जाती है। और उसके बाद सबसे अंत पॉइंट इसकी परियोजना, तो हीराकुंड बांध परियोजना तथा नराज परियोजना, ठीक है, इतना क्लियर। तो ये आपका महानदी के बारे में, ये इसका स्ट्रक्चर है, मतलब कहने का मतलब इसके जो पॉइंट इंपॉर्टेंट वो यही पॉइंट है। अब बात करेंगे कृष्णा नदी की, ठीक है, तो अगली हेडिंग कृष्णा नदी। हाँ जी, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है भैया? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और उसके बाद बंगाल खंड, यही है, ठीक है, तो मिटा दिया जाए। ये डेल्टा का निर्माण करती है, बेसन का निर्माण, बेसन भी बनाती है, और डेल्टा का निर्माण करती है उड़ीसा के कटक में। हाँ, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है आता नहीं, कि जो डेल्टा का जो आएगा मैं आपको वही बता दूंगा कि ये पॉइंट आने वाला है, ये आ सकता है, ठीक है। राय, छत्तीसगढ़ रायपुर में सिंगवा श्रेणी। देखो मैकाल पर्वत से तीन नदियां निकलती हैं, एक नदी निकलती है आपकी महानदी, एक निकलती है सोन नदी, और एक निकलती है नर्मदा नदी, ठीक है। तो उसी मैकाल पर्वत में एक सिंगवा पर्वत श्रेणी है, मैकाल पर्वत में, ठीक है, जैसे मैकाल पर्वत में अमरकंटक श्रेणी, इसी तरह से सिंगवा श्रेणी, कौन सी नदी, महानदी, ठीक है, क्लियर इतना। तो अगली हेडिंग कृष्णा नदी। जी तो देखो भैया, कृष्णा नदी देखो भाई कि कृष्णा नदी की अगर हम बात करें, तो देखो सबसे पहले कि अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है, ठीक है। दूसरी सबसे लंबी नदी ताप्ती नदी है, ठीक है, लेकिन अगर बात करें कि तीसरी जो अरब सागर में गिरने वाली है वो साबरमती है, ठीक है, और हम बात करें केवल कि प्रायद्वीपीय भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, या हम कहते हैं दक्षिण भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, ठीक है, तो सबसे पहले कृष्णा नदी। तो देखो भाई, आपके महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की पहाड़ियां हैं, ठीक है, पहला पॉइंट। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से है। ठीक है कि भैया, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, जो कि किस राज्य में? महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला पॉइंट, यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है।
यह प्रायद्वीपी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अगर बात करें कि इसकी लंबाई कितनी है तो भैया लिखो, कृष्णा नदी की कुल लंबाई, चौदह सौ किलोमीटर है। कृष्णा नदी की कुल लंबाई चौदह सौ किलोमीटर है। ठीक है, अगला पॉइंट, कृष्णा नदी पर, देखो कृष्णा नदी पर एक बांध परियोजना है, ठीक है, और उस परियोजना का नाम है नागार्जुन सागर बांध परियोजना। ठीक है, अगला पॉइंट, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध परियोजना स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये भैया आपके, देखो महाराष्ट्र से निकली और निकलने के बाद तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद फिर आंध्र प्रदेश में, ठीक है, और आंध्र प्रदेश में ही कौन सी है, नागार्जुन सागर बांध परियोजना। तो कृष्णा नदी पर कौन सी परियोजना है, नागार्जुन सागर बांध परियोजना, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगर बात करें कि भैया इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो लिखो अगला पॉइंट, कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा, सहायक नदी कौन सी है, तुंगभद्रा कोमा भीमा नदी, तुंगभद्रा नदी कोमा भीमा नदी कोमा पंचगंगा तथा दूधगंगा, पंचगंगा तथा दूधगंगा। अगला पॉइंट, कृष्णा नदी पर ही श्री सैलम परियोजना, श्री सैलम परियोजना, कृष्णा नदी पर श्री सैलम परियोजना स्थित है, श्री सैलम परियोजना। ठीक है, और कोष्टक में लिखना है कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। और अगर बात करें कि कृष्णा नदी का मुहाना कहां पर है, मुहाने का मतलब होता है कि ये नदी जाकर गिरती कहां पर है, ठीक है, तो कहां पर है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अगला पॉइंट, तो हम बात करें कि भैया कृष्णा नदी का मुहाना कहां है, तो आपके बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। अब बात करते हैं कि कृष्णा नदी का कितना परसेंट जल किस राज्य को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहला इसके मुहाने पे डेल्टा में जो है सबसे बड़ा, बता रहा हूं वो लिखवा रहा हूं। अगला पॉइंट, कृष्णा नदी का 44% जल, 44% जल कर्नाटक, हाँ जी कर्नाटक में होकर निकलती है, 44% जल कर्नाटक कोमा 29% जल आंध्र प्रदेश, 27% जल महाराष्ट्र को प्राप्त होता है, तेलंगाना में नहीं है, इसका स्ट्रक्चर बताकर बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में। ठीक है,
अगर बात करें कि यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, देखो प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिनने वाली तो पहली हो जाएगी नर्मदा, और अरब सागर में गिनने वाली प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी हो जाएगी ताप्ती। अगर बात करें कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी बंगाल की खाड़ी में गिनने वाली तो कौन सी हो जाएगी, गोदावरी, ठीक है। और प्रायद्वीपीय भारत की और बंगाल की खाड़ी में गिनने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी। बात करें कि इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है, ठीक है, और इस पर एक कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध सागर परियोजना किस राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। बात करें कि इसकी सहायक नदी कौन सी है, तो तुंगभद्रा, भीमा, पंचगंगा और दूधगंगा। तो ये एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है NTPC में कि भीमा किसकी सहायक नदी है, तो किसकी, कृष्णा नदी की, ठीक है। तेलंगाना में इस बहती नहीं है क्योंकि उस समय, सुन लीजिए क्योंकि उस समय जब तेलंगाना, देखो तेलंगाना किस में था, आंध्र प्रदेश में शामिल, ठीक है, और जब आंध्र प्रदेश में तो उसको पूरा उसने 29% आंध्र प्रदेश का मिलाकर दे दिया तेलंगाना के साथ, ठीक है, दोनों का मिलाकर के, हाँ जी दोनों का मिलाकर दे दिया है, 44% कर्नाटक और महाराष्ट्र को 27%, ठीक है। तो इसका अंतिम पॉइंट, कृष्णा नदी डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो देखो इसका जो डेल्टा जो बना रही है ये गोदावरी नदी में मिला देती है अपने डेल्टा को, ठीक है। कहने का मतलब इधर से आई गोदावरी नदी और एक आ रही कौन सी, कृष्णा नदी, और दोनों ने एक पास ही कौन सा बना दिया, डेल्टा। अगर बात हम करें कि भाई विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है, और जो कि आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, ठीक है, और है किस राज्य में, पश्चिम बंगाल राज्य में, ठीक है। मैं इसका नाम नहीं दे रखा है, ठीक है, होगा पता होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। क्या अच्छा, ठीक है। तो भैया अब इसका जो सबसे लास्ट पॉइंट है, कृष्णा नदी, ठीक है, सबसे लास्ट पॉइंट कृष्णा नदी की सबसे प्रमुख तुंगभद्रा की सहायक नदी, कृष्णा की सबसे प्रमुख तुंगभद्रा की सहायक नदी हेगरी नदी है, ठीक है। कई किताब में इसका नाम है हंगरी भी दे रखा है, ठीक है, तो इसका क्या नाम है, हेगरी नदी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात करें कि भाई कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में। अगर बात करें कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कृष्ण दूसरी सबसे लंबी कृष्णा नदी। अगर बात करें कि कृष्णा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 1400 किलोमीटर। कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध सागर परियोजना किस राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगर बात करें इसकी सहायक नदी, तो तुंगभद्रा, भीमा नदी, पंचगंगा और दूधगंगा। और ध्यान रखना ये पूछा जा चुका है तुंगभद्रा की सहायक नदी कौन सी है, तो कौन सी है, हेगरी, जिसको कई किताबों में हंगरी भी दे रखा है, ठीक है। अगर बात करें कि इसका मुहाना कहां पर है, तो बंगाल की खाड़ी में, और इस पर एक परियोजना श्रीशैलम परियोजना आंध्र प्रदेश में। और इसका कितना परसेंट जल किस राज्य को मिलता है, तो आपका 27% महाराष्ट्र, 29% आंध्र प्रदेश और 44% कर्नाटक को, ठीक है। तो अब तुम्हारी ये छोटी छोटी नदियां जिसके बारे में एक दो पॉइंट होते रहेंगे। तो अगली हेडिंग कावेरी नदी, हाँ जी हाँ जी, एक कोलेरू झील, हाँ कोलेरू झील जो है आपके, ये आपके महाराष्ट्र में, जो कि कौन सी नदियों के पास, नदियों के पास,
कोलेरू झील के बारे में जो क्वेश्चन आता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने जो 8-10 पेपर जो देखे अब तक के ग्रुप डी और एनटीपीसी के 8-10 पेपर बता रहा हूँ, ठीक है, तो उनमें केवल जो कोलेरू झील से जो क्वेश्चन है वो यही है कि ये किससे बनी हुई है, ठीक है, तो ये किससे ज्वालामुखी के चट्टान से बनी हुई है, ठीक है, ज्वालामुखियों के उद्गम से, और कई किताब में ये भी दे रखा है कि आकाशीय पिंड के कारण बनी हुई है, अब इनमें से कोई सा भी ठीक हो, कई किताब में अलग अलग दोनों में, ठीक है। हाँ जी, तो देखो भैया कावेरी नदी, सबसे पहले इसका पॉइंट, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, ठीक है, ये कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। अगर बात करें कि कावेरी नदी की कुल लंबाई कितनी है, ठीक है, तो कावेरी नदी की कुल लंबाई 805 किलोमीटर है, लूसेंट में शायद 800 किलोमीटर दे रखी है, लेकिन एक्यूरेट जो अभी तक है एनसीईआरटी के अनुसार वो 805 किलोमीटर है, ठीक है, ठीक है। अगला पॉइंट, कावेरी नदी का 3% जल केरल राज्य में, कावेरी नदी का 3% जल केरल राज्य में तथा 56% जल तमिलनाडु में, 56% जल तमिलनाडु में एवं 41% जल कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, हाँ जी, कर्नाटक में। अगला पॉइंट, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, इसका उपनाम क्या है, दक्षिण भारत की गंगा, गंगा। अगला पॉइंट, कावेरी नदी का सबसे प्रमुख जलप्रपात, कावेरी नदी का सबसे प्रमुख जलप्रपात, जलप्रपात का मतलब झरना, शिव समुद्रम जलप्रपात है, ठीक है। और अगर बात करें कि विश्व का शिव समुद्रम जलप्रपात, अगर बात करें कि विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो उसका नाम है क्या, एंजिल जलप्रपात, ठीक है, और है किस देश में, वेनेजुएला, और वेनेजुएला की राजधानी कराकास, ठीक है, और एंजिल जलप्रपात जिस नदी पर है उस नदी का नाम केरू नदी, ठीक है। अगला पॉइंट, कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां, कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां लोक पावनी कौमा सहायक हेमावती, लोक पावनी कौमा हेमावती तथा अक्रावती एवं सिमसा, ये तो हो गई कि भैया कावेरी, इसमें आपकी कावेरी नदी में उत्तर से मिलने वाली, ठीक है, सहायक नदी किस साइड से, उत्तर से, ठीक है। और अगर बात करें कि कावेरी नदी में दक्षिण से, तो अगला पॉइंट, कावेरी नदी में दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदी अमरावती, कावेरी नदी में दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदी अमरावती
कौमा लक्ष्मण तीर्थ अमरावती कौमा लक्ष्मण तीर्थ तथा भवानी नदियां हैं। अगला पॉइंट अगर बात करें कि कावेरी नदी को क्या कहा गया, ठीक है, तो कावेरी नदी को बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहा गया, ठीक है। अगला पॉइंट कावेरी नदी को या हम कह सकते हैं कि आपकी जो कावेरी नदी है, ठीक है, और इसका जल जितने भी राज्यों को प्राप्त होता है तो उन राज्यों को या कावेरी के अप्रवाह क्षेत्र को राइस ऑफ बाउल कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट कावेरी के अप्रवाह क्षेत्र को राइस ऑफ बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं, राइस ऑफ बाउल ऑफ साउथ इंडिया। अगला पॉइंट कावेरी नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। देखो तो एक पॉइंट ये लिख लिया था ना कि कावेरी नदी का उपनाम क्या है, दक्षिण भारत की गंगा, या हम कहते हैं अगर कहेगा कि वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं तो कौन सी, गोदावरी नदी को, ठीक है। लेकिन अगर आएगा कि दक्षिण भारत की गंगा किसका उपनाम है तो आपके कावेरी नदी का, ठीक है। हाँ जी एक बज गया, ठीक है, तो बाकी कल के लिए। तो भाई अब बायो हो जाएगा वो सर कर देंगे। हो गया होगा बंद कहाँ से, धन्यवाद।